श्रद्धेय श्री साहेब जी, बुध मंगलमय संत समाज एवं भक्त सज्जनों, माता बहनों, प्रारंभ से हम लोग एक बात सुनते आए हैं कि मनुष्य इस सृष्टि का सिरमौर प्राणी है, श्रेष्ठ प्राणी है। और श्रेष्ठ प्राणी कहने का अर्थ है मनुष्य में स्वतंत्रता है। जो शक्ति सामर्थ्य मनुष्य में है वह दूसरे प्राणियों में नहीं है। अब शक्ति सामर्थ्य का मतलब कोई शारीरिक मात्र नहीं है, यहाँ मानसिक शक्ति की बात है। जो मनुष्य में है अन्य प्राणियों में वो शक्ति नहीं है। और सबसे बड़ी शक्ति क्या है? मनुष्य की स्वतंत्रता। मनुष्य जब चाहे वह अपना रास्ता बदल सकता है और यह स्वतंत्रता उसके लिए दुख का भी कारण है और आनंद का भी कारण है। पशु पक्षियों में स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए वे जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। एक रूटीन पर चलते हैं, जैसा उनका खान पान है, जैसा उनका रहन सहन है, वो सब उनकी गतिविधियां सीमित है। सुबह से शाम तक कुछ ऐसा करेंगे कि पेट भर जाए, कहीं से अपने लिए आहार ढूंढ लेंगे और फिर प्रजनन कर लेंगे। बस इतना ही उनका उद्देश्य है, काम है। ठंडी गर्मी के निवारण के लिए, शरीर रक्षा के लिए भी अपनी गतिविधि कर लेते हैं। धूप बहुत है, कहीं छाया मिली चले गए। ठंडी है, धूप दिख रही है, वहाँ चले गए। कहीं बरसात अधिक है तो कोई ऐसी जगह दिखी जहाँ पर बरसात से बच सकते हैं तो ठीक, और नहीं तो बरसात में भी वो लोग वे सब आराम से रह लेते हैं। पक्षी को कहाँ घर मकान सब जगह मिलता है, जंगल के पशुओं को कहाँ ऐसा जहाँ आप लोग अपने पशुओं को बांधते हैं घर में, गाय बैल भैंस इत्यादि को, वैसा तो कुछ नहीं है। किसी हर मौसम पर वो बाहर रहते हैं। लेकिन ये एक प्राकृतिक ढंग है, मनुष्य की बात बिल्कुल अलग है। वह स्वतंत्र है, मैंने कहा ना, यह उसके दुख का भी कारण है और वह यही उसके सुख का भी कारण है, आनंद का भी कारण है। दुख का कारण है इसका मतलब है वो जैसा नहीं चाहिए वह भी करने लग जाता है, दोनों तरफ। इसीलिए एक उदाहरण दिया जाता है ना, सीढ़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति आप लोगों को याद है, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, निसेनी सीढ़ी, ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी आ सकते हैं। सीढ़ी क्या है? माध्यम है। ऐसे ही मानव का जीवन क्या है? माध्यम है। आप और हम ऐसा काम कर सकते हैं कि अपने को दुख के गड्ढे में डाल सकते हैं। और हम देखते तो हैं लोग दुख के गड्ढे में डालते ही हैं। और ऐसा भी है
हम अपने आप को बहुत ऊंचाई पर या पूरी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। अच्छा वो भी जानते और देखते हैं। इसका भी उदाहरण है कि मनुष्य ऊपर तक गया है। ऊपर तक का मतलब है वो सर्वोच्च शिखर आत्म स्थिति पूरी तरह से आत्म शांति का अनुभव किया है, इसके भी उदाहरण मिलते हैं। और मनुष्य अत्यंत पतित हुआ है, इतना उसका पतन हुआ है, इतना वो गिरा हुआ है जितना पशु पक्षी नहीं गिरे हुए हैं। अच्छा इसका भी उदाहरण है, गलत पर गलत कर सकता है आदमी, आदमी अच्छा से भी अच्छा कर सकता है। एक ऐसी जगह, एक ऐसी भूमिका कि वो दानव भी हो जाए और भगवान भी हो जाए, महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए है। हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, और यह हमारे अलावा कोई नहीं जान सकता है। हमें ही निर्णय करना है हम ऊंचाई की ओर जा रहे हैं या फिर गहराई की ओर जा रहे हैं, आनंद की ओर बढ़ रहे हैं या फिर क्लेश की ओर बढ़ रहे हैं, दुख की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे क्रियाकलापों में वो कौन सा काम है जो हमें दुख पहुंचा रहा है, दुख की ओर ढकेल रहा है। रोज देख लो जरा से अपने जीवन को कि मेरे जीवन में दुख और अशांति और पीड़ा की वृद्धि हो रही है या फिर सुख शांति और आनंद की वृद्धि हो रही है। बस पता चलता चला जाएगा। इसको इस ढंग से समझे, जब आप अकेले में हो या जब आप रात्रि में बिस्तर पर जाएं, तो आप पूरे दिन भर जो कुछ भी किए हैं उसको लेकर आप खुश हैं। बस इतना देखें, उसको लेकर खुश हैं। देखिए एक चीज बता दूं मैं, खुश होने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप बस सुबह के शाम तक के क्या करते रहे, वही रोज वाला काम। रोज वाला काम क्या है, सुबह उठे और शौच मैदान गए, नहाए धोए, अब घर का थोड़ा बहुत काम जो रहता है उसको निपटा लिए, कुछ खाए पिए, काम में निकल गए, काम करके शाम तक लौटे, या फिर घर में ही रहकर कुछ काम किए और रात्रि में फिर से भोजन कर लिए और उसके बाद बिस्तर में चले गए। ये सच है कि आपने चोरी नहीं की, हिंसा नहीं की, कोई अनाचार नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया कि कोई नशा नहीं किया है, किसी के साथ में आप लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बात सही है। लेकिन इतने मात्र से क्या हो जाएगा, ये तो ठीक है ना, जीवन गुजर के लिए तो ये करना ही है। जीवन को चलाने के लिए कमाना खाना ये तो पड़ेगा ही, लेकिन इतने मात्र से तो काम पूरा नहीं हो जाएगा ना। इतने मात्र से आप ऊंचाई क्यों नहीं उठ जाएंगे। मैं एक उदाहरण बताऊं आपको, आप सभी समझ जाएंगे। जैसे जो मैंने अभी कहा उसी के आधार पर बताता हूँ। एक आदमी है, वो ये चाहता है कि मैं संगीत सीखूं, हारमोनियम बजाना सीखूं, तबला बजाना सीखूं, वीणा बजाना सीखूं, ऐसा उसके मन में है कि मैं कुछ संगीत में आगे बढ़ूं, बजाऊं और कुछ गाऊं, ऐसा वो सीखना चाहता है। एक दूसरा आदमी चाहता है कि मैं एक दूसरी भाषा सीखूं, मैं हिंदी जान लेता हूं, अंग्रेजी जान लेता हूं, लेकिन एक और भाषा, चाहे वो जापानी हो चाहे वो चीनी भाषा हो, ये वो सीखना चाहता है। अब ये सीखना चाहता है तो चाहे वो संगीत चाहे वो भाषा दोनों में से कोई भी, अब वो क्या करता है, सुबह उठता है, दैनिक कार्यक्रम करता है अपना, काम में जाता है, काम करके लौटता है, खाता पीता है, सो जाता है। वो कहेगा मैं किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ ईमानदारी से कर रहा हूँ, अपना काम मैं ठीक से करता हूँ, सुबह से शाम तक समय से,
सब बात ठीक है, लेकिन क्या ऐसा करते करते वो संगीत सीख जाएगा? क्या वो नई भाषा सीख जाएगा? नहीं सीखेगा। मेरा मतलब है, जो सुबह से शाम तक आपका काम है वो तो करना ही है, आपको संगीत सीखने के लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा। नई भाषा सीखने के लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा। अब आप कहेंगे, मैं तो किसी के साथ कोई गलती करता ही नहीं हूँ, न मैं कभी धन चुराया है, न किसी के साथ मारपीट किया है, तो क्या इसका मतलब आप दूसरी भाषा सीख जाएंगे? नहीं सीखेंगे। हम लोग क्या मान बैठे हैं कि ये रोजमर्रा का काम कर रहे हैं और ईमानदारी का काम कर रहे हैं, किसी के साथ कोई छल कपट नहीं करते हैं और इससे हमारा काम हो जाएगा। हम नशा भी नहीं करते हैं, न पान तंबाकू गांजा भांग तो पीते खाते नहीं है, ये कोई विशेषता थोड़ी है। आप क्या मान रहे हैं? देखिए, आज के संदर्भ में विशेषता हो सकती है। विशेषता इसलिए कि बहुत से लोग हैं जो नशा करके गड्ढे की ओर जा रहे हैं, दुर्व्यवहार करके गड्ढे की ओर जा रहे हैं। ख्याल करिए, एक धरातल है, सामान्य धरातल, फिर से वही बात, एक नीचे की ओर जाने वाला रास्ता, एक ऊपर की ओर जाने वाला रास्ता है। हम लोग की दशा क्या है? या मनुष्य जब जन्म लेता है तब क्या है? निर्दोष होता है, कोई नशा कुछ नहीं होता है। चूंकि वो छोटा है तो छोटा होने से उसको कोई काम करने की शक्ति नहीं होती उसके शरीर में, फिर भी उसको माँ का दूध मिल जाता है, उसका जीवन हो चल जाता है। लेकिन थोड़ा और बढ़ता चला गया, शरीर में शक्ति आती चली गई, अब अपने भोजन की व्यवस्था, अपने जीवन गुजर की व्यवस्था कर लेता है। तो जीवन गुजर करना तो एक सामान्य रूटीन है ना। जैसा मैंने कहा, पशुओं के लिए वो भी तो वही कर रहे हैं, उतने मात्र से कोई पशु से कोई बड़ा काम हो गया क्या? कोई अलग हो गया क्या? कुछ नहीं। तो मनुष्य होकर के भी कोई दैनिक रूटीन का काम करे और ठीक है, वो सदाचारी है, वो नैतिक है, सही है, रोज वाला। लेकिन फिर भी आप कुछ अलग बनना चाहते हैं, देखिए, आप कुछ अलग सीखना चाहते हैं, चाहे वो संगीत के रूप में सीखना चाहते हो, भाषा नई भाषा के रूप में सीखना चाहते हो, तो आपको अलग से मेहनत करनी होगी। यही बात है, यदि आप अपने जीवन में और प्रगति चाहते हैं और उत्थान चाहते हैं, वो कैसा उत्थान? मानसिक क्षेत्र में अधिक आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, शांति का अनुभव करना चाहते हैं, शांत मन वाला होना चाहते हैं, और भीतर से गंभीरता और गहराई, साधना की और गहराई में उतरना चाहते हैं, तो केवल दैनिक रूटीन संपन्न करने मात्र से काम चलने वाला नहीं है कि हम कहेंगे हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, हम कोई नशा पता नहीं करते हैं, तो वो तो ठीक है, उतना तो। लेकिन इसके अलावा भी आपको समय निकालना पड़ेगा। फिर उसके, जब मैंने कहा ना, संगीत वालों को संगीत के शिक्षकों के पास जाना पड़ेगा, उस वाद्य यंत्र को रोज अभ्यास बजा करके करना पड़ेगा, गाने वालों को रोज अभ्यास करना है, खिलाड़ियों को देखो रोज अभ्यास, हर क्षेत्र में खिलाड़ियों को देखो रोज अभ्यास करते हैं, विद्यार्थी रोज पढ़ाई करते अभ्यास करते हैं। हम जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए कौन सा अभ्यास कर रहे हैं? हम सब देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा, ऐसा कोई काम तो हो नहीं रहा है, ऐसा कोई काम तो हो नहीं रहा है। अब कोई हो सकता है संत भक्त हो और उनकी मान्य ग्रंथ है, कोई गीता का पाठ कर लेता है, कोई रामायण का पाठ कर, उसमें बहुत कम लोग। ख्याल करिए, मैं जो कह रहा हूँ, कितने हम, आप अपने गांव में ही सर्वेक्षण करें तो ये पूछना, वो जो आप ग्रंथ को मानते हो, जिस ग्रंथ को, जिस परंपरा के, हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी, और उसमें भी हिंदू में भी आप किसमें हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, कबीर पंथी, किसी भी में, और जो आपके गुरु ने
जो आपके सद्गुरु ने आपको इस ग्रंथ की विशेषता बताई, जिस ग्रंथ को पढ़ करके आपको ज्ञान मिलेगा, आप उसका रोज कितना पठन पाठन करते हैं, खोज करके खोजेंगे तो पूरे गांव में कितने लोग मिलेंगे, पता चल रहा है ना, कितने लोग मिलेंगे, हम में से कितने लोग हैं जो रोज उसका करते हैं पठन पाठन, रोज सत्संग और रोज ध्यान चिंतन कितने लोग करते हैं, तो हम क्या देखेंगे, 1% का भी मिलना बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ है, सही है ना। अब और ये तो खैर आपका आध्यात्मिक ऊंचाई की बात, स्वास्थ्य के बारे में देख लो, हर आदमी चाहता है कि मेरा स्वास्थ्य सुंदर रहे, हर आदमी चाहता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक कार्य है वो कितने लोग करते हैं, जरा छानबीन करके देखो, उनके खान पान के संयम को देखो क्या करते हैं, जिन बातों को मना किया जाता है बहुत से लोग तो उसी को लेते हैं, यद्यपि उसके मन में भी है मैं सुंदर स्वास्थ्य पाऊं, ये भी वो कहते तो हैं, मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, ये वो चाहेगा, लेकिन खान पान को देखो, सुबह बिना चाय के उसका काम नहीं चलता है। अच्छा किसी से पूछ लो, चाय स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है कि नुकसानप्रद है, पता चल जाएगा। अब उसी में और नशा के बारे में देख लो, अब आप स्वास्थ्य तो चाहते हो लेकिन स्वास्थ्य के जब विपरीत चलोगे तो फिर वो साहब ने कहा है बीजक में कि राह बिचारी क्या करे जो पंथिन चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के चले उजार उजार। कितनी अच्छी बात सद्गुरु कबीर कहते हैं, रास्ता है, ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं है कि सुख शांति और आनंद पाने का रास्ता खो गया है, ऐसा नहीं है, वो रास्ता हमेशा खुला है, हमेशा, जैसे दुख वाला रास्ता हमेशा खुला है, हमेशा, कोई दुख वाला रास्ता पकड़ना चाहे जा सकता है, सुख शांति वाला रास्ता पकड़ना चाहे वो खुला है जा सकता है, बंद नहीं है, लेकिन चलते कितने लोग हैं, साहेब भाई कह रहे हैं राह बिचारी क्या करे, रास्ता क्या करेगा, जो पंथिन चले विचार, अब रास्ता की थोड़ी गलती है, जब पथिक ही विचार पूर्वक न चले, संत लोग तो रास्ता बना दिए, इसीलिए कहते ना कबीर पंथ, पंथ का मतलब ही होता है ना पथ, पथ पंथ रास्ता, पंथी का मतलब होता है जो उस रास्ते पर चले, पथ पर चले पथिक, इसीलिए पथ को, पथ पर चलने वाले को पथिक कहा जाता है। तो कौन बनाया है, संत जन बनाए हैं, सद्गुरु संत बनाए हैं, चाहे कोई भी, चाहे वो शास्त्रों में लिख करके, चाहे वो उपदेश करके, चाहे वो स्वयं उस रास्ते पर चल करके पगडंडी बना दी है। जब कोई किसी रास्ते पर चलता है और कई बार चलना होता है और कई लोग जब चलने लगते हैं तो देखो ना, जंगल में भी रास्ता बन जाता है, आपके मैदान में भी रास्ता बन जाता है, क्योंकि बार बार चलने से चिन्ह बन जाता है। तो जिस रास्ते पर चलकर हमारे पूर्वज, हमारे संत जन, हमारे ज्ञानी जन वहां मंजिल तक पहुंच चुके हैं, वो पगडंडी का, वो पगडंडी, वो चिन्ह, वो रास्ता अभी भी है। साहब कहते हैं वो रास्ता की कोई गलती नहीं है, राह बिचारी क्या करे जो पंथिन चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के रहे फिरे उजार उजार। जंगल में कोई रास्ता छोड़ दे जो बिल्कुल सही रास्ता है, पाई में चले जहां पर कांटे हैं, खंदक है, कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, तो लहूलुहान होना है, चोट लगना है, दुखी होना है, इसलिए हम सब उस रास्ते पर चलना नहीं चाहते हैं, उस ऊंचाई पर नहीं चलना चाहते हैं। क्यों नहीं चलना चाहते हैं, थोड़ा परिश्रम है, थोड़ी सी कठिनाई है,
थोड़ी आदत जो पुरानी है उसको छोड़ना है। मैंने भी कहा ना स्वास्थ्य के संबंध में, हर आदमी को पता है कि सुबह जल्दी उठ लेना चाहिए, या तो घर के काम में हाथ बटाओ, या फिर कोई योगा प्राणायाम करो, या बाहर टहलने चले जाओ, कुछ ऐसा करो जिससे स्वास्थ्य सुंदर रहे, साफ रहे। ये सब बता कोई भी चिकित्सक, कोई भी सही जानकार आदमी स्वास्थ्य का यही तो कहेंगे। ये पहले भी था और आजकल योग प्राणायाम का प्रचलन कुछ बढ़ा, बीच में तो और ज्यादा था, अब थोड़ा फिर ठंडा रहा है। मतलब फिर सुस्त लोग, आदमी क्या है फिर पीछे की ओर ही जाना पसंद करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बहुत कम लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए काम करते हैं, बाकी तो बस चल रहा है, क्या बताएं ऐसे ही है। फिर चारों तरफ देखते हैं और लोग भी वैसे ही हैं, सबका वही है तो मेरा भी वही है, बस सामान्य मान लेते हैं। नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये कह रहा था जब हम केवल इतना ही काम करें कि केवल कमाएं, खाएं और जिएं, परिवार का पालन पोषण कर दें, और वो भी सही तरीके से, ईमानदारी से, और ये मान करके चलें मेरी आध्यात्मिक उन्नति इससे होगी, नहीं होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ नहीं होगी, क्योंकि आप आध्यात्मिक कार्य कर ही नहीं रहे हैं। आप और हम केवल एक सामान्य कार्य कर रहे हैं जो रोजमर्रा वाला है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो फिर अतिरिक्त समय निकालना पड़ेगा, और इसके लिए देखिए एक चीज समझें, आप जिस काम को करना चाहते हैं उसके लिए समय निकाल ही लेते हैं, निकाल लेते हैं। जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं उसके लिए कहीं से भी समय निकाल लेते हैं। आप देखिए यहाँ कल से सत्संग इस समय चालू हो गया है कि भाई एक टाइम ऐसा है जिसमें सत्संग होगा, आश्रम में आप लोग आए। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आपके घर में कोई काम नहीं है, घर में काम है, फिर भी उसे छोड़कर आप यहाँ आ गए। आपके रिश्तेदारी में कोई ऐसी जरूरी काम हो सकता है, आपके रिश्तेदारी में किसी की मृत्यु हो जाए, या किसी के घर घर का उद्घाटन हो, किसी की सगाई हो, किसी की शादी हो और आमंत्रण मिले, तो आप ऐसा नहीं है कि आपको आप उनको कहें कि मुझे समय नहीं मिला इसलिए नहीं आ पाया। व्यवहार ऐसा संपन्न नहीं होता है। आप कहेंगे चाहे जितना व्यस्त हो जाना ही है, और पक्का मानकर चलिए आप समय निकाले लेंगे। आप चाहे जितना व्यस्त होते हैं, अच्छा वो तो ठीक है, हो सकता है आप आमंत्रण मिला किसी कारण से नहीं जा पाए। अच्छा घर में आपके ही घर में एक घर का एक सदस्य है जो एकदम बीमार पड़ गया सीरियस, या फिर वो एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया, अब आप कहेंगे समय मिलेगा तब अस्पताल ले जाऊंगा, क्या कहेंगे घर के लोग, समझ रहे ना? समय मिलेगा तो मैं अस्पताल ले जाऊंगा। अरे समय मिलेगा, समय निकाल करके, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण समझेंगे समय मिल जाएगा, निकाल लेंगे। ऐसे ही जब आप अपने जीवन का कल्याण, सुख शांति आनंद करने के अनुभव को महत्वपूर्ण मानेंगे, नहीं मुझे शांति वाला काम करना है, ये मेरे लिए महत्व उतना ही, बल्कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जितना मुझे भोजन, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जिससे मुझे घर का काम, घर के काम के लिए कई बार आप मजदूर लगा करवा लेंगे, होता है कि नहीं होता है, काम थोड़ा सा है और आपके पास है तो मजदूर बुला लो, थोड़ा काम है तो हो सकता है करवा लो। कई जगह जिनके पास पैसे होते हैं और शरीर में उतनी शक्ति नहीं होती तो भोजन बनाने के लिए, अभी मैं वहाँ गया था करही बदर से एक जगह गया था, और दोनों प्राणी बिल्कुल बुजुर्ग हैं और पेंशन तो पर्याप्त है, तो बताए कि साहब भोजन बनाने वाले, घर और बर्तन साफ करने वाले, यहाँ तक कि स्नान करवाने वाले सब अलग अलग आते हैं और पैसा पर्याप्त है।
लेकिन यदि कोई एक नौकर रख ले, मेरे मन को शांत कर दो, ऐसा कुछ करो वहां बैठ करके जिससे मेरा मन शांत हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा। वो एक निजी काम है, निजी काम है आपका। तो घर के काम को आप दूसरों को सौंप सकते हैं, लेकिन ये काम खुद को करना होगा, जबकि हम इसको भी दूसरों पर टालते रहते हैं। आपकी कृपा होगी तब हो जाएगा, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख रहे हैं किस पर टाल रहा है, भगवान जब चाहेंगे तब हमारा भला हो जाएगा। संतों के पास भी आते हैं, साहब आपकी कृपा होगी तो सब हो जाएगा। संत लोग कब कृपा नहीं करने वाले हैं। इसका मतलब है यदि आपके जीवन में सुख शांति का अनुभव नहीं हो रहा है तो संत लोग कंजूसी कर रहे हैं कृपा करने में, तो गलती संतों की है ना। वो उदारता नहीं बरत रहे हैं, वो आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। हर दृष्टि से हम अपनों को बचाना चाहते हैं, लेकिन बचाने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम होगा। तो रोज आप अपना काम, मैं तो शुरू में ये कहा था हम में स्वतंत्रता है, हर काम को करने में हम स्वतंत्र, किसी भी काम को कर रहे हो और छोड़ सकते हो कभी भी, और एक दूसरा काम शुरू कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पर बैठे सत्संग में, अभी सत्संग खत्म नहीं हुआ है, मन में एक बात आ जाए अरे मुझे उठ के जाना है, तो जाने में कोई बंधन है, कोई रोकेगा नहीं, मुझे जाना ही है, ठीक है भाई जाओ, बहुत जरूरी काम है। आपके पास ऐसे हो सकता है कि आपके पास अचानक फोन आए और इतना जरूरी है कि एकदम तुरंत आना है, आप जा सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि आ गए तो आप उठ नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं। मैं कह रहा था कभी भी आप कुछ नया कर सकते हैं, कभी भी परिवर्तन कर सकते हैं अपने जीवन में जब चाहें। और जब परिवर्तन कर देते हैं तो क्या होता है, परिणाम बदल जाता है। जो कुछ हम कर रहे हैं उस करने को जब बदलते हैं तो उसका रिजल्ट बदल जाता है। जैसे आपका खेत, बड़े सरल ढंग से समझे, आप अपने खेत में हर साल धान लगाते हैं, धान बोते हैं, तो फसल तो फिर वो पाते क्या है खेत से, धान बोते हैं तो पाते क्या है, हर साल धान पाते हैं। लेकिन आपने क्या किया, उसको बदल दिया, क्या बदलना था, आपने मक्का बोना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया, परिणाम बदल गया। जैसे ही आपने अपना काम बदला वैसे ही उसका रिजल्ट बदल गया, रिजल्ट बदल गया। और आप जब चाहें ये काम कर सकते हैं, जिस वर्ष कहें कि बस इस साल मुझे धान नहीं लगाना है, इस साल मुझे गन्ना लगाना है, इस साल मुझे ये लगाना है, मुझे सब्जी की खेती करनी है, खेत में मुझे पपीता और केला लगा दे, देखो बदल ले। जैसे ही बदलेंगे रिजल्ट बदल जाएगा, ऐसे ही है। आप ये कहेंगे रोज तो मैं 7 बजे उठता था, अब मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, क्या संभव है, मनुष्य कर नहीं सकता है ये काम। कोई कहेगा 7 बजे उठने वाला आदमी कभी 5 बजे उठ ही नहीं सकता है, ऐसा कोई कहेगा। यदि उसे पता चल जाए कि 5 बजे सुबह वहां पर बंटवारा हो रहा है सोने चांदी हीरे जवाहरात का, अच्छा तो के बजे उठना उठ जाएगा वो आदमी, समझ रहे ना, 2 घंटे पहले ही। अच्छा अभी तो आप 7 बजे उठते थे, आज कैसे 5 बजे उठ गए, पूछो ही मत, कैसे उठ गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सारे उदाहरण क्यों दे रहा हूँ कि आदमी में वो शक्ति है बदलने की, स्वतंत्रता वो शक्ति है। और 7 बजे सोकर उठने वाला 9 बजे भी सो के उठ सकता है, वो ऐसा कुछ करे, रात में वो 12 बजे सोता है, हो सकता है 2 बजे सोए, अब 9 बजे उठे, ये भी तो कर सकता है। अच्छा करते भी है लोग, ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे तो सुबह 9 बजे उठते हैं, ये भी सच है।
तो आदमी जब देखो बदलता है कि नहीं बदलता है, मैं इसलिए कह रहा था आदमी अपने क्रियाकलापों को बदलता है, अपने शब्दों को, हर चीज को बदल सकता है। और जैसे ही बदलाव करता है अपने एक्शन में, वैसे ही उसका रिजल्ट बदलने लग जाता है। आदमी मैंने कहा ना रोज सुबह चाय पीता है, फिर धीरे से एक दिन मन में आया किसी डॉक्टर ने, अभी बीच की पहले की बात है, कई साल पहले की बात है, कुछ हैं जो साधिकाएं थी वे लोग चाय की आदत थी, चाय पिया करती थी। एक बार पता चल गया वो चाय पत्ती में गाय का खून मिलाया जाता है। कितने दिन लगा छोड़ने में, समझ रहे हो ना? एक दिन भी नहीं लगा। जैसे पता चाय पत्ती में गाय का खून मिलाते, अब ये भले ही वो सूचना सही है गलत है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कहीं से चाहे वो भ्रम हो, कहीं से सूचना आ गई, अगले दिन से चाय बंद। अब वही लोग क्या कहते, चाय नहीं पीने पर सिर में दर्द होता है। अच्छा आज क्या हो गया, आज क्या हो गया, समझ रहे मैं क्या कहा, बदल गया नहीं बदल गया, कभी भी छोड़ सकते हैं। अब ये नहीं है कि आपको वो सूचना मिले गलत सूचना, वो सूचना उसकी जरूरत नहीं है। यदि डॉक्टर ने ही कह दिया यदि ये चाय पीते रहोगे या पीती रहोगी तो बस एक महीने में मर जाओगे, छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ देंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि आप में छोड़ने की ताकत है, बदलने की ताकत है। कोई भी गलत काम को छोड़ सकते हो, कोई भी अच्छा काम प्रारंभ कर सकते हो, कोई भी प्रारंभ कर सकते हो, यही तो करना है जीवन में। मैंने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र है, और स्वतंत्र है इसका मतलब ही यही है वह अपने जीवन में कभी भी बदलाव कर सकता है। देखिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग आज ही ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कल हम लोग जेल जा सकते हैं, सही है कि नहीं है? आज ही ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कल ही नहीं आज ही हमको पुलिस पकड़ के ले जाए और थाने में बंद कर दे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ किया भी जा सकता है, ऐसा कुछ किया भी जा सकता है कि जो लोग दुखी हैं, गलत हैं, वे लोग छोड़ सकते हैं, गलत को छोड़ सकते हैं, दुख वाले रास्ते को छोड़ सकते हैं और सही रास्ते पर चल सकते। मैं कह रहा था जब आपको एक बाएं तरफ चलने की ताकत मिल गई है तो दाहिने तरफ भी चलने की ताकत है, इसका मतलब यही हुआ ना। जब आपको गलत रास्ते में जाने की शक्ति है तो आपको सही रास्ते पर भी चलने की शक्ति है। शक्ति तो आपके पास एक ही है, देखिए शक्ति आपके पास में एक ही है, उस शक्ति को आप किस दिशा में लगा रहे हैं, जिस दिशा में लगाएंगे वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। अब ये और थोड़ा विस्तार की जरूरत है, इसको आप समझें, एक एक चीज को समझेंगे तो बात साफ हो जाएगी। बोलने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, करने की शक्ति है, सबकी शक्ति है, और उस शक्ति में दोनों हर रास्ते में दो दिशा होती। जैसे ये देखो सामने सड़क है, तो सामने सड़क में जाकर सड़क के पास जाकर खड़े हुए, अब दो तरफ हो गए कि नहीं हो गया? आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। सड़क में क्या, सड़क पर आप चल सकते हैं, बस बस सड़क में चलने की सुविधा है। अब आप बाएं चलना चाहें स्वतंत्र हैं, दाहिने चलना चाहें स्वतंत्र है, ऐसे ही है। आप में बोलने की क्षमता है, आप कटु बोलना चाहें स्वतंत्र हैं, मीठा बोलना चाहें स्वतंत्र हैं, गाली देना चाहें स्वतंत्र हैं, सही है कि नहीं है? लेकिन आप किसी को मीठे शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं, प्रेम के शब्द बोलना चाहते हैं, किसी का नमस्कार करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र है कि नहीं है? बिल्कुल स्वतंत्र है। अच्छा सोचना चाहते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, किसी के लिए बुरा सोचना चाहते हैं तो बुरा सोच सकते हैं। तो सोचने में स्वतंत्र हैं, बोलने में स्वतंत्र हैं, करने में स्वतंत्र हैं, हर काम में आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। और उसी स्वतंत्रता का जब आप सही उपयोग करते हैं, जीवन आनंद की ओर बढ़ता चला जाता है, शांति की ओर बढ़ता चला जाता है। और उसी स्वतंत्रता का जब गलत उपयोग करते हैं, गलत दिशा में उसको ले जाते हैं, तो फिर वह दुख की ओर, उसका परिणाम दुख और अशांति आने लग जाता है।
दुख 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 दुख। लेकिन एक दूसरी बात यह भी है, कोई भूलवश अनजाने में किसी कारण से वो एक रास्ता गलत चल पड़ा, गलत चल पड़ा। भले ही वो गलत चल पड़ा हो, वहां से भी बदल सकता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। वहां से वो लौट सकता है, ऐसा नहीं है कि वो तो चला गया 5 किलोमीटर भटक गया, गलत रास्ता उल्टा रास्ता चल दिया। अच्छा 5 किलोमीटर चल दिया तो वहां से लौट सकते हैं? नहीं लौट सकता है। अरे भले 5 किलोमीटर आप भटक गए हो, वहां से वापस तो आ सकते हैं। ऐसे ही जीवन में कुछ गलतियां हो गई हैं, अब गलती करते आ रहे हैं कुछ समय से, कोई बात नहीं, अब से शुरू। इतनी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब आप समझे, आपसे गलती हो गई और समझ में आ गई गलती हो गई। मैं जैसे अभी रास्ते के बारे में बताया, आप कहीं जा रहे हो और ऐसा चौराहे मिला जहाँ कोई नहीं और आप कंफ्यूज हो गए और जिस रास्ते पर जाना चाहिए उसको छोड़ करके विपरीत चले गए और काफी कई किलोमीटर चले गए, फिर एक गांव मिला, तब पूछे भैया मुझे ये गांव जाना है। अरे वो चौराहा सा ना, उसी चौराहा से आपको दाहिने मुड़ना था, बाएं मुड़ गए। अब आप क्या कहेंगे? आप क्या ये कहेंगे, अब तो आ ही गया, अब मुड़ूंगा नहीं मैं। बुद्धिमानी है, भले आपसे वहां पर गलती हो गई और जैसे पता चला आप तुरंत मुड़ते हैं, आते हैं और दाहिने रास्ते चल जाते हैं। आपको किसी के द्वारा पता चला, चाहे वो आपका घर का आदमी बताए, आपका रिश्तेदार बताए, कोई सज्जन कोई संत मिले और बताए, भाई ये जो रास्ता चल रहे हैं उन्हें रास्ता सही नहीं, इसको बदलो, तो बदल नहीं देना चाहिए? और बदल देंगे तो रास्ता सीधा हो जाएगा फिर तो, और बस वहीं से आप जैसे बदले वैसे ही आप सुख वाले रास्ते पर चल पड़े, आपकी दिशा बदल गई तो जीवन की दशा बदल गई। हम सबको अपने जीवन की दिशा, सही दिशा की ओर ले जाना, सही दिशा में चलने का प्रयास करना है तो निश्चित रूप से जीवन का आनंद आएगा। जीवन में जो आनंद का अनुभव करना चाहिए हम कर सकते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये बात को जो मैं शुरू में कहा था, हम ये न मान लें कि हम दैनिक रूटीन वाला काम करते चले जाएंगे, सुबह से शाम तक जो घर का काम है बाहर का काम है निपटा लेंगे और वो भी ईमानदारी से हम जीवन जियेंगे, किसी के साथ छल कपट नहीं करेंगे, इसके बावजूद आपको आनंद का अनुभव नहीं होगा क्योंकि वो काम किया नहीं गया है। ठीक है, आपको दुख का अनुभव नहीं होगा, ठीक है, आपको जीवन गुजर का काम हो जाएगा, लेकिन जीवन आनंद का काम नहीं होने वाला है। उसके लिए अलग से समय निकालना है, बदलाव करना है। अच्छा, अलग से समय निकालने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वही आप निर्णय लेते हैं, वही आप संकल्प लेते हैं, अब ये रास्ते छोड़कर ये रास्ते में आना है, और उसके लिए आप अपने जीवन में योजना बनाते हैं, प्रयास करते हैं। वो जो एक अकेले में बैठकर जो मनन चिंतन पठन करते हैं, वो एक ऐसी शक्ति जो सही रास्ते पर जाने के लिए आपको वो खुराक देता है। नहीं तो वो नहीं करेंगे, अकेले में आप बैठ करके आप उसके लिए अभ्यास नहीं करेंगे तो आदमी कभी भी वापस उस गड्ढे की ओर चला जाता है। और कई ऐसे लोगों को देखोगे जो पहले सत्संग में जाया करते थे, सही रास्ते पर चलते थे, और जब उसमें जाना बंद कर दिया तो धीरे से क्या हो गया, फिर भटक गए, फिर नशा करने लग गए, फिर गलत मार्ग पर चले गए, फिर चले जाते हैं वो साधु मार्ग में। आने के बाद और बहुत दूर जाने के बाद भी आदमी वापस आकर के गलत से गलत काम करने लग जाता है। इसलिए इसकी जरूरत है कि आप सही रास्ते पर चलते हुए सही खुराक लेते हुए रोज लेते रहेंगे तो ही आपके लिए आगे बढ़ने के चांस बने रहेंगे। नहीं तो क्योंकि ऊपर चढ़ाई, अच्छा ढलान तो फट से आपको बस चलना है। आप हम सभी तो साइकिल पहले चलाए हैं ना, जब कहीं नदी के किनारे जाते तो एक तो पहले उतरना होता था फिर चढ़ना होता था, तो उतरते समय साइकिल को क्या है, पैडल मारना थोड़ी पड़ता था, बस बैठे रहो संभाले रहो हैंडल को। अच्छा उसके बाद जब चढ़ना होता था तब तो सीट छोड़ के भी पैडल मारना पड़ता था, है कि नहीं है, सीट छोड़ के भी पैडल मारना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी। तो ये ऊपर की ओर उठना भी मेहनत है,
ढलान है तो बस लुढ़कना ही लुढ़कना है, इसलिए आवश्यकता है हमें अतिरिक्त मेहनत करने की, तब जाकर के जीवन में वह सुख शांति का अनुभव होगा। और मैंने कहा इसके लिए हमें ये मानव का जीवन मिला है, स्वतंत्र भूमिका मिली है, हम जब चाहें अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, अपने रास्ते को परिवर्तन कर सकते हैं और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। बस